Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. I am Suman Shankar, your physics teacher. तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना सेकेंड चैप्टर जो फिजिक्स का है हम लोग का, ठीक है, दैट इज़ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, है ना। तो फर्स्ट चैप्टर जो फिजिक्स का आप लोगों का था, उसमें आप लोगों ने क्या पढ़ा, उसमें हम लोगों ने पढ़ा क्या, फोर्स के बारे में, ठीक है ना। हम लोगों ने क्या जाना था, फोर्स के बारे में जाना थोड़ा सा, उसके बाद फिर क्या जाना, मोशन के बारे में जाना बेसिकली, कि मोशन किस किस टाइप का होता है ना। हम लोगों ने जाना क्या यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में जाना था, याद होगा आप लोगों को। तो ये इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो भी क्या है, मोशन है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या जानेंगे, यहाँ पे हम लोग जानेंगे कॉज ऑफ मोशन, ठीक है। आखिर मोशन जो होता है, चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन हो या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो या फिर सर्कुलर मोशन हो, हम लोगों ने पढ़ा ना, टाइप्स ऑफ मोशन भी हम लोगों ने पढ़ा, याद होगा आप लोगों को। तो इसमें क्या है कि जो ये मोशन होता है उसका कॉज क्या है, कारण क्या है उसका, ठीक है। तो मोशन होने का सबसे पहला कारण क्या होता है, सबसे पहला कारण होता है फोर्स, ठीक है, याद होगा प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा क्लास 8 में फोर्स के बारे में, ठीक है। क्या पढ़ा था हम लोगों ने फोर्स के बारे में, कि पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। सिंपल हम लोग क्या पढ़े थे, किसी भी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, पुश करते हैं, ढकेलते हैं या फिर उसको पुल करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, तो क्या होता है, फोर्स लगता है, ठीक है ना। मतलब फोर्स लगा के हम लोग किसी को क्या कर सकते हैं, पुश और पुल कर सकते हैं। तो सिमिलरली मोशन भी अगर हम लोग किसी को करना होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन करना होता है, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं तभी तो मोशन होता है, बिना फोर्स लगाए मोशन नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ी होगी, जैसे कि सपोज यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पुल कर रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, बास्केट को क्या कर रहा है, वो पुल कर रहा है, दूसरे तरफ ढकेल रहा है, ठीक है। और ढकेलने के बाद जैसे कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मोशन हो रहा है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, उसको ढकेल रहा है, तो क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है उसका ट्रॉली में, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या किया उसने, यहाँ पे भी उसने क्या किया, एक फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से क्या हुआ, यहाँ पे मोशन हुआ, ठीक है ना, फोर्स लगाने से क्या हुआ, मोशन हुआ। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक स्प्रिंग है, अगर मेरे पास स्प्रिंग को मैं क्या करता हूँ, अगर स्प्रिंग को मैं दोनों तरफ से क्या करूँ, खींचू इस तरह से, है ना, स्ट्रेच करूँ उसको, खींचू इस तरह से दोनों तरफ से, तो क्या होगा, दोनों साइड से क्या होगा, एक फोर्स लगता है, फोर्स लगने से क्या होगा, वो अपना उसका पोजीशन चेंज होगा, ठीक है। पोजीशन चेंज होगा मतलब क्या, कि वो क्या करेगा, इधर चले, पहले क्या था, कंप्रेस था, जैसे ही मैंने फोर्स लगाया स्ट्रेच हो गया, पोजीशन उसका चेंज हो गया। तो ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी का भी पोजीशन चेंज करने के लिए, शेप चेंज करने के लिए, साइज चेंज करने के लिए, या फिर उसको मोशन में लाने के लिए, या फिर उसको मोशन से रोकने के लिए, हम लोग क्या करते हैं, हमेशा फोर्स लगाते हैं। तो इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि जो फोर्स होता है वो कैसे, क्या होता है, ठीक है, और उसका लॉस क्या होता है। मतलब अगर सपोज किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है तो उससे रिलेटेड कुछ लॉ होता है जिसको वो फॉलो करता है, ठीक है, उसी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं क्या इसका इंट्रोडक्शन, कि हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे कि फोर्स तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, पुश और पुल को बोलते हैं हम लोग फोर्स, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ फोर्स क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे दो टाइप का फोर्स होता है, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स, इसके बारे में जानेंगे बैलेंस फोर्स क्या होता है और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, ठीक है। फिर हम लोग क्या जानेंगे, लॉज ऑफ मोशन के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, जानते होंगे कि कितना है न्यूटन का, 3 लॉज ऑफ फोर्स का है, फोर्स का कितना लॉ है, 3 लॉज है, याद होगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहला लॉ क्या था इसमें, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मैं इसको बोलता हूँ, ठीक है ना, ये फोर्स का लॉ है, मतलब फोर्स लगा के हम लोग क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, है ना, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मैं बोलूँगा, ये किसका मोशन है, फोर्स का मोशन है, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया होता है, ठीक है। फिर हम जानेंगे इनर्शिया के बारे में, कि इनर्शिया आखिर होता क्या है और इनर्शिया का मास के साथ क्या रिलेशन है। तो इनर्शिया और मास का जो रिलेशन होता है वो हम लोग जानेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में, तो ये भी क्या होता है, फोर्स रिलेटेड होता है, राइट। फिर हम लोग जानेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में, ठीक है, तो ये भी क्या होता है, फोर्स से रिलेटेड होता है, ठीक है ना। तो हम लोग मोशन का जो तीनों लॉ होता है, फर्स्ट न्यूटन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, सब लॉ के बारे में क्या करेंगे, हम लोग जानेंगे। फिर हम लोग जानेंगे मोमेंटम क्या होता है, व्हाट इज मोमेंटम, है ना, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में जानेंगे। तो कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, याद है ना आप लोगों को। तो उसी तरह से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी होता है, कि मोमेंटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और क्या होता है कि जो मोशन के पहले का मोमेंट और मोशन के बाद का मोमेंट हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। तो यही चीज़ हम लोग इसमें जानेंगे, ये सारा टॉपिक हम लोग इसमें कवर करेंगे, राइट, समझ में आ रही है बात। तो सबसे पहला जो हम लोग इसमें टॉपिक है वो क्या है, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स।
तो आइए जानते हैं क्या होता है बैलेंस फोर्स और क्या होता है अनबैलेंस फोर्स। तो यहाँ पे जैसा आप लोगों को दिख रहा है कि आज यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट टॉपिक का नाम बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। तो जैसा कि नाम से लग रहा है ना, बैलेंस का मतलब क्या होता है कि अगर कोई चीज़ बैलेंस है, ठीक है, अगर सपोज मुझे कहीं बैलेंस बनाना होता तो मैं क्या हूँ, एक जगह पे खड़ा हूँ मैं, ना इधर से राइट हो रहा हूँ ना लेफ्ट हो रहा हूँ, मेरा बैलेंस क्या है, बना हुआ है। और अनबैलेंस का मतलब क्या होता है कि जब बैलेंस नहीं बना हुआ है, या तो क्या हो रहा है, या मैं मूव कर रहा हूँ राइट या मैं लेफ्ट मूव कर रहा हूँ, आगे पीछे कहीं मैं मूव कर रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, वो अनबैलेंस्ड है, ठीक है। तो बैलेंस फोर्स का मतलब क्या होता है कि जब क्या ऑब्जेक्ट क्या करे, मूव नहीं करे, ठीक है ना। सपोज यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, एक यहाँ पे क्या है, एक सपोज एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, वुडन बॉक्स है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक मेरा दोस्त है जो यहाँ से फोर्स लगा रहा है, मान लेते हैं एफ फोर्स लगा रहा है वो, ठीक है, और क्या कर रहा है, वो बॉक्स के आपको अपने तरफ वो खींच रहा है, अपने तरफ वो पुल कर रहा है, ठीक है। और एक दूसरा है, दूसरा मेरा फ्रेंड है जो क्या कर रहा है, वो उसको इस तरफ खींच रहा है, इस तरफ उसको वो पुल कर रहा है, ठीक है ना। और दोनों जो कर रहा है, दोनों जो मेरे फ्रेंड है वो क्या है, दोनों का सेम वेट है और दोनों क्या कर रहे हैं, सेम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना, दोनों क्या कर रहे हैं, सेम फोर्स लगा रहे हैं। तो यहाँ से भी वो क्या कर रहा है, इधर फोर्स लगा रहा है, और वो भी क्या कर रहा है, यहाँ से इधर फोर्स लगा रहा है, और दोनों सेम फोर्स लगा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या ये बॉक्स मूव करेगा, ठीक है, एक मिनट वीडियो को पॉज करिए और सोचने की कोशिश करिए कि क्या ये बॉक्स मूव करेगा। तो इसका आंसर क्या है, ये बॉक्स मूव नहीं करेगा, नहीं करेगा ना, क्यों, क्योंकि दोनों साइड से इक्वल फोर्स लग रहा है उसको, ठीक है ना। यहाँ से भी मैं वही फोर्स लगा रहा हूँ, यहाँ से भी मैं क्या कर रहा हूँ, वही फोर्स लगा रहा हूँ। तो उसके में क्या हो रहा है कि दोनों तरफ से सेम फोर्स लग रहा है, इसीलिए वो बॉक्स क्या करेगा, मूव नहीं करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, बॉक्स मूव नहीं कर रहा है, तो उस केस में मैं क्या बोलूँगा उसको, ये क्या है, बैलेंस फोर्स है, ठीक है ना। जब फोर्स क्या होता है, बैलेंस होता है, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, रेस्ट में होता है, रुका हुआ होता है, वो क्या करेगा, मूव नहीं करेगा। समझ में आ रहा है बात। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक बॉक्स है, ठीक है ना, इस बॉक्स को क्या कर रहे हैं, ये दो लोग मिलके इसको पुश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि बॉक्स जो है सरफेस पे लगा रहा है फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स पढ़ा है आप लोगों ने, याद होगा, ठीक है ना। तो बॉक्स क्या कर रहा है, सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, और ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो फ्रिक्शन फोर्स बॉक्स को क्या है, रेस्ट में रखा हुआ है, रोक के रखा हुआ है, वो फोर्स क्या है, ज़्यादा है। तो अगर मैं इसको फ्रिक्शन फोर्स को मान लूँ स्मॉल एफ से मैं डिनोट करता था, याद होगा, और इसको मैं मान लूँ एफ, तो अगर ये फ्रिक्शन फोर्स यानी जो स्मॉल एफ है, अगर इस फोर्स से ज़्यादा है, तो बॉक्स क्या करेगा, मूव नहीं करेगा, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है, इसके फोर्स को क्या कर दे रहा है, बैलेंस कर दे रहा है। तो जब बैलेंस कर देगा, तो बैलेंस फोर्स के केस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट मूव करता है, नहीं करता है। समझ में आ रही बात, ठीक है ना। तो जब बैलेंस फोर्स होता है, बैलेंस फोर्स का क्या प्रॉपर्टीज होता है, सबसे पहला कि बैलेंस फोर्स में सबसे पहले ये होता है कि बैलेंस फोर्स डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, ठीक है। मतलब बैलेंस फोर्स में क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है, तो वो उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते, मतलब वो रेस्ट में ही रहेगा। मतलब उस ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा है कि दोनों तरफ से क्या हो रहा है, सेम फोर्स लग रहा है, जैसे यहाँ पे हो रहा है फ्रिक्शन फोर्स, और ये क्या है, दोनों क्या है, एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहा है, इसीलिए ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है। समझ में आ रही बात। यहाँ पे क्या है कि दोनों फोर्स एक्स और वाई, दोनों जो फोर्स लगा रहा है, वो दोनों क्या कर रहा है, सेम फोर्स लगा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए यहाँ पे भी क्या होगा, ऑब्जेक्ट मूव करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। तो बैलेंस फोर्स में क्या होता है कि बैलेंस फोर्स में ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है। दूसरा क्या होता है, बैलेंस फोर्स में क्या होता है, नेट फोर्स जो होता है वो हमेशा जीरो होता है। नेट फोर्स का मतलब क्या हुआ कि जो टोटल फोर्स उस बॉडी पे लग रहा है उसको मैं बोलूँगा नेट फोर्स, ठीक है। जैसे कि इस बॉक्स में क्या हो रहा है, इस साइड से भी एफ फोर्स लग रहा है और इस साइड से भी सेम फोर्स लग रहा है एफ, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं कि ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो ये भी कितना लगा रहा होगा, ये भी 10 न्यूटन लगा रहा होगा, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा होगा ना, ठीक है। तो उस केस में दोनों का नेट फोर्स क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एफ माइनस एफ, ठीक है, क्या हो जाएगा, एफ माइनस एफ इज इक्वल टू जीरो। तो बैलेंस फोर्स में हमेशा क्या होता है, नेट फोर्स हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी क्या हो रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स भी क्या कर रहा है, इसको बैलेंस कर दे रहा है, जो दोनों जो फोर्स लगा रहे हैं उसको बैलेंस कर दे रहा है, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे भी क्या होगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जब भी फोर्स कैसा हो, बैलेंस फोर्स हो, तो वहाँ पे ये दोनों कंडीशन होता है, ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मोशन नहीं करेगा, और दूसरा क्या है कि नेट फोर्स क्या होगा, हमेशा जीरो होगा, टोटल फोर्स जो होगा वो हमेशा जीरो होगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात। अब बात करते हैं अनबैलेंस फोर्स की, ठीक है। तो अनबैलेंस फोर्स जो फोर्स होता है वो क्या होता है, ठीक इसका उल्टा, इसमें क्या करेगा, ऑब्जेक्ट मोशन करेगा। कैसे, फॉर एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे दूँ आपको, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक एक्स एक
ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, एक्स खींच रहा है, वाई भी क्या कर रहा है, इसको उधर से खींच रहा है, ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो एक्स जो फोर्स लगा रहा है वो क्या है, ज़्यादा है। मतलब मैं मान लेता हूँ ये कितना लगा रहा है, 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, 20 यूनिट का फोर्स लगा रहा है। न्यूटन क्या होता है, न्यूटन फोर्स का SI यूनिट होता है, ठीक है, आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो आगे क्लासेस में आप लोगों को पढ़ना है, राइट। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, कितना फोर्स लगा रहा है, 20 यूनिट, 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है वो वाई साइड से, ठीक है। और एक्स साइड से क्या हो रहा है, वो कितना फोर्स लगा रहा है, सपोज 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। मतलब यहाँ पे क्या है, थोड़ा ताकतवर आदमी खड़ा है, यहाँ पे थोड़ा कमजोर है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा उस केस में कि दोनों अब क्या कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, क्या वो बॉक्स मूव करेगा, इस बार भी वीडियो को एक बार पॉज करिए और सोचिए क्या इस केस में बॉक्स मूव करेगा। तो आंसर क्या है कि बॉक्स इसका मूव करेगा, लेकिन किधर मूव करेगा बॉक्स, किस डायरेक्शन में मूव करेगा, जो फोर्स ज़्यादा लगा रहा है, ठीक है ना, जो मोटा तगड़ा ताकतवर है वही ना बॉक्स को अपनी तरफ खींच पाएगा। तो ज़्यादा ताकतवर कौन है, ये है, ये ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ये क्या है, कमज़ोर आदमी बेचारा, ठीक है, तो ये 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो बॉक्स कहाँ मूव करेगा, बॉक्स इस डायरेक्शन में मूव करेगा, करेगा ना इस डायरेक्शन में मूव, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अनबैलेंस फोर्स हुआ। मतलब यहाँ पे क्या है, दोनों फोर्स क्या है, डिफरेंट है, तो दोनों फोर्स क्या है, अनबैलेंस है। और इस केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट मूव करेगा, किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव करेगा जहाँ पे ज़्यादा फोर्स लग रहा है, ठीक है। और इस केस में नेट फोर्स कितना होगा, तो नेट फोर्स क्या होगा, दोनों जो फोर्स लगा रहे हैं दोनों को मैं क्या कर दूँ, माइनस कर दूँ, सब्ट्रैक्ट कर दूँ, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, इसको मैं F1 मान लेता हूँ, इसको मैं F2 मान लेता हूँ, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, F2 माइनस F1, राइट, समझ में आ रही बात, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, F2 माइनस F1, और F2 माइनस F1 कितना हो जाएगा, तो 50 माइनस 20 दैट इज 30 न्यूटन। मतलब कि इसी फोर्स से, यही 30 न्यूटन का फोर्स से ये बॉक्स से इधर मूव करेगा, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो ये नहीं सोचना है कि 50 न्यूटन का फोर्स से बॉक्स मूव करेगा, 50 न्यूटन के फोर्स से बॉक्स मूव नहीं करेगा, 50 न्यूटन फोर्स तो इधर वाला बंदा लगा रहा है, ठीक है, राइट। तो कितना फोर्स से वो मूव करेगा, कितना फोर्स से मूव करेगा, तो 30 न्यूटन से फोर्स से मूव करेगा, मतलब जो नेट फोर्स दोनों का लग रहा है। तो दोनों का नेट फोर्स कितना है, F2 माइनस F1, तो ये जो मूव करेगा इस डायरेक्शन में मूव करेगा, और कितना फोर्स से करेगा, 30 न्यूटन का फोर्स से करेगा, ठीक है। तो अनबैलेंस फोर्स से हमें क्या चीज़ें समझ में आई, दो चीज़ समझ में आई। सबसे पहला क्या, कि अनबैलेंस फोर्स जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है तो वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, मोशन करता है, वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, मूव करता है, ठीक है ना। और दूसरी बात मुझे क्या समझ में आई, कि जो अनबैलेंस फोर्स होता है उस केस में नेट फोर्स कभी जीरो नहीं होता है, ठीक है। तो क्या है, सबसे पहला कि ये क्या करता है, ब्रिंग ऑब्जेक्ट्स इन मोशन, ऑब्जेक्ट को मोशन में लाता है, ठीक है। और दूसरा क्या बोल रहा है, इफेक्टिव और नेट फोर्स जो होता है वो क्या होगा, F1 माइनस F2 होगा, ठीक है। मतलब जो फोर्स ज़्यादा लग रहा है उसको तो पहले मैं सब्ट्रैक्ट मैं कैसे करता हूँ, बड़े नंबर से करता हूँ या छोटे नंबर को। तो यहाँ पे अगर F1 माइनस F2 मैं लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, कि जो F1 फोर्स है वो क्या है, ज़्यादा है, ठीक है ना, इसीलिए F1 माइनस F2। अगर F2 फोर्स ज़्यादा होता तो मैं क्या लिखता, F2 माइनस F1 लिखता। जैसे यहाँ पे क्या है, F2 फोर्स ज़्यादा है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, F2 माइनस F1 लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा, और दूसरा यहाँ पे नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता है, समझ में आई बात, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल ये सेकंड वाला है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस केस में क्या हो रहा है कि अब ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। अब ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं, दोनों मिलके ज़्यादा फोर्स लगा रहा है। और उस केस में क्या हो रहा है, जो फ्रिक्शन फोर्स जो सरफेस लगा रहा है बॉक्स पे, राइट, वो फ्रिक्शन फोर्स अब क्या हो रहा है, इससे कम है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये दोनों मिलके जो फोर्स लगा रहे हैं, मान लेते एफ, वो क्या है, फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा है। और यहाँ पे क्या था, फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा था, इसीलिए वो रुका हुआ था। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही इनका फोर्स क्या हो गया, फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा हो गया, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव करेगा। किस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो जिस डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो इस डायरेक्शन में वो मूव करेगा, ठीक है। और यहाँ से भी नेट फोर्स कितना होगा, यहाँ से भी नेट फोर्स होगा एफ माइनस एफ होगा ना, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये क्या है, अनबैलेंस फोर्स का एग्जाम्पल। मतलब मोशन में लाना है तो अनबैलेंस फोर्स होना चाहिए, ठीक है ना। अब सपोज मान लेते हैं, कभी कभी क्या होता है कि हम एक साइकिल सपोज चला रहे हैं, ठीक है ना। अब जैसे ही क्या हुआ कि हम थोड़ा साइकिल का पैडल मारते मारते क्या हुआ, थक गए, तो मैंने क्या हुआ, पैडल मारना बंद कर दिया, ठीक है, राइट। तो अब क्या होगा, साइकिल क्या होगा, एक मोशन से, एक स्पीड से क्या होगा, जाने लगेगा। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब वहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि जो साइकिल जो मूव कर रहा है उसका फोर्स और जो सरफेस जो लगा रहा है फ्रिक्शन फोर्स, दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बैलेंस करके चल रहा है, ठीक है ना। तो वहाँ पे भी ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है,
राइट, वहाँ पे भी क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है, तो वहाँ पे, लेकिन अभी फोर्स कौन सा है, बैलेंस हो गया। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि मोशन में कोई ऑब्जेक्ट को लाने के लिए अनबैलेंस फोर्स चाहिए, ये तो सही बात है, लेकिन इससे भी ज़्यादा अगर मैं एक्यूरेट बोलूँ सेंटेंस उसके लिए, तो वो क्या होगा कि अगर किसी बॉडी को एक्सेलरेट करना है मुझे, राइट, मतलब एक्सेलरेशन में हमेशा रखना है, तो मुझे क्या करना है, उसको अनबैलेंस फोर्स देना होगा। ठीक है, मतलब किसी बॉडी को एक्सेलरेट करने के लिए अनबैलेंस फोर्स देना होगा। मतलब अगर मैं साइकिल को चला रहा हूँ, मैंने पैडल मारना छोड़ दिया, तो क्या हुआ, साइकिल तो फिर भी मूव करता है, मोशन में रहता है, लेकिन क्या कोई फोर्स वहाँ पे लगा रहा हूँ मैं, नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। ठीक है, लेकिन अगर मुझे क्या करना है, फिर से उसको क्या करना है, और ज़्यादा मोशन में लाना है, मतलब उसको और ज़्यादा एक्सेलरेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, पैडल मारूंगा। तो जब तक मैं पैडल मारूंगा तब तक क्या होगा, फोर्स अनबैलेंस रहेगा, मतलब जो फोर्स मैं लगा रहा हूँ वो फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसीलिए साइकिल क्या होगा, आगे डायरेक्शन में जाएगा। और जब तक मैं उसको फोर्स देता रहूँगा, मतलब पैडल जब तक मैं मारता रहूँगा, तब तक क्या होगा, फोर्स अनबैलेंस रहेगा और बॉडी क्या करते रहेगा, एक्सेलरेट करते रहेगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। तो ये बात थी बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स की, राइट। बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स को और भी बहुत सारे एग्जांपल आप लोग डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल एक है, जैसे क्या है, मान लेता हूँ कि दो बॉयज हैं, ठीक है, एक जन क्या, एक यहाँ पे है, ठीक है, और एक यहाँ, राइट, ठीक है ना, एक के हाथ में क्या है, एक बॉल है, इसके भी हाथ में एक बॉल है। इस लड़के ने क्या किया कि इस बॉल को उसने नीचे गिरा दिया, ठीक है, इस लड़के ने क्या किया, इस बॉल को ऐसे ऐसे करके नीचे गिरा दिया, और बॉल क्या हो गया, सरफेस पे आ गया, ठीक है। लेकिन इसने क्या किया कि वो बॉल को क्या किया हुआ, अपने हाथ पे पकड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही उसने इस बॉल को गिराया, तो बॉल के नीचे कौन सा फोर्स लगता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी फोर्स के बारे में आप लोग जानते हैं कि जो फोर्स क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींचता है। तो जैसे ही वो क्या हुआ कि इसने इस बॉल को जैसे ही नीचे छोड़ा, तो ये क्या हुआ, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण नीचे आया, ठीक है ना। और यहाँ पे इस बॉल में लेकिन एक फोर्स लग रहा होगा, जो कौन लगा रहा होगा, एयर लगा रहा होगा, ठीक है ना, एयर, जैसे कोई चीज़ में ऊपर से नीचे गिरता है तो एयर का एक रेजिस्टेंस होता है, तो एयर भी एक फोर्स लगा रहा होगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा कि जो एयर जो फोर्स लगा रहा है और ग्रेविटी जो फोर्स लगा रहा है, उसमें कौन वाला फोर्स ज़्यादा बड़ा है, ग्रेविटी वाला फोर्स ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, तभी तो वो नीचे गिरा पा रहा है। अगर ये फोर्स ज़्यादा होता तो नीचे नहीं गिरता, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रेविटी वाला फोर्स ज़्यादा है, तो इस केस में क्या है, ये अनबैलेंस फोर्स है, मतलब कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है यहाँ पे वो क्या है, एयर का फोर्स से क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स है, तो अनबैलेंस फोर्स है तो यहाँ पे क्या होगा, बॉडी मोशन करके एक्सेलरेट करे क्या होगा, नीचे गिर जाएगा, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या है, इस केस में भी क्या हो रहा है कि ग्रेविटी एक फोर्स यहाँ पे लगा रहा है, लेकिन वो क्या है, ये लड़का उस बॉल को क्या है, हाथ में पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो लड़का भी क्या कर रहा है, इस बॉल में एक फोर्स लगा रहा है पकड़ के ऊपर की तरफ, और ग्रेविटी भी नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है। तो लेकिन इस केस में क्या है कि ये दोनों फोर्स क्या है, बैलेंस है, ठीक है, मतलब कि जितना फोर्स ग्रेविटी लगा रहा है उतना ही फोर्स वो क्या कर पा रहा है, वो लड़का भी लगा पा रहा है, तो इसीलिए वो दोनों फोर्स क्या है, बैलेंस हो गए। तो जब ये दोनों फोर्स बैलेंस हो गए तो ऑब्जेक्ट मोशन करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि ये बैलेंस फोर्स है। तो ये क्या है, बैलेंस फोर्स का एग्जाम्पल है, और ये क्या है, अनबैलेंस फोर्स का एग्जाम्पल है। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। इस तरह से और भी इसका बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग अपने डेली लाइफ में देखते हैं। सपोज स्प्रिंग का एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, तो स्प्रिंग को क्या होता है, स्प्रिंग को अगर मैं स्ट्रेच कर देता हूँ इस तरह से, सपोज एक स्प्रिंग है, मैंने क्या किया कि स्प्रिंग पे दोनों तरफ से क्या किया, एक फोर्स लगाया, ठीक है ना, ठीक है। अब मैंने स्प्रिंग पे क्या किया, दोनों तरफ से एक फोर्स लगाया, तो अगर दोनों तरफ से फोर्स अगर सेम है, ठीक है ना, तो स्प्रिंग क्या होगा, स्ट्रेच रहेगा, इस तरह से रहेगा ना स्ट्रेच, ठीक है, वो क्या होगा, मूव नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही क्या हुआ कि एक फोर्स को मैंने कम कर दिया, जैसे ये वाला फोर्स क्या हो गया, एफ वन मान लिया, इसको एफ टू मान लो, तो ये एफ वन क्या है, एफ टू से क्या है, लेस है, कम है, तो ये फोर्स क्या है, ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, ये वाला जो स्प्रिंग है वो क्या होगा, इस तरफ ज़्यादा स्ट्रेच होगा और इधर कम स्ट्रेच होगा, होगा ना, इधर स्ट्रेच ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ से ज़्यादा फोर्स लग रहा है, इधर स्ट्रेच कम होगा क्योंकि यहाँ से कम फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं, डेली लाइफ में देखते हैं बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स के। और मोशन करने के लिए तो अनबैलेंस फोर्स चाहिए, बिना अनबैलेंस फोर्स का मोशन नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो इस क्लास में हम लोगों ने क्या जाना बच्चों, इस सेशन में हम लोगों ने जाना कि फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में जाना, और ये जाना कि क्या क्या हमें पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। और सबसे पहला टॉपिक जो हमारा था वो क्या था, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स, उसके बारे में हमने जाना कि बैलेंस फोर्स क्या होता है और क्या क्या कंडीशंस होता है बैलेंस फोर्स का, सिमिलरली अनबैलेंस फोर्स क्या होता है और उसके क्या कंडीशंस होते हैं। तो होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। फिर भी कोई डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।